सो फ्रेंड, ये है आइकोनियो 6 स्मार्टफोन। और जब ये स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च हुआ था तो इस डिवाइस पर 90 FPS का सपोर्ट नहीं था, बट आइको ने यह प्रॉमिस किया था कि जल्द से जल्द इस डिवाइस में 90 FPS का अपडेट आ जाएगा और आप इस डिवाइस पर 90 FPS में गेमिंग कर पाएंगे। तो आइको ने वो प्रॉमिस कंप्लीट कर दिया है, पूरा कर दिया है और इस डिवाइस में 90 FPS का अपडेट आ चुका है। तो अब आप इस डिवाइस पर 90 FPS में गेमिंग कर सकते हैं। तो मैं आज इस डिवाइस की करने वाला हूँ गेमिंग टेस्ट और आप लोग को बताने वाला हूँ कि इस डिवाइस में आप लोग को 90 FPS ग्राफिक सेटिंग में किस तरह से परफॉर्मेंस मिल जाती है। तो ध्यान से देखिए इस पूरे वीडियो को। सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं यश, आप देख रहे हैं शर्मा जी ब्रदर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मैंने ये गेम ऑन कर लिया है और अब मैं आप लोग को इसका ग्राफिक सेटिंग दिखाता हूँ। इसमें आप लोग को 90 FPS का सपोर्ट मिल चुका है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली आप लोग को 90 FPS देखने को मिल गया होगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बट ये आप लोग को सिर्फ स्मूथ ग्राफिक सेटिंग पर मिलेगा। अगर आप ग्राफिक सेटिंग इन्हेंस करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, तो जो 90 FPS का सपोर्ट है वो आप लोग को नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपको 90 FPS पर गेमिंग करनी है तो आप लोग को ग्राफिक्स को स्मूथ पर रखना होगा। तो मैंने ग्राफिक सेटिंग सेट कर लिया है और अब मैं आप लोग को इस गेम का परफॉर्मेंस बताता हूँ कि 90 FPS में आप लोग को किस तरह से परफॉर्मेंस मिल जाएगा। उससे पहले मैं इस डिवाइस का जो टेम्परेचर है वो चेक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस डिवाइस का जो मैक्स टेम्परेचर है वो है 31.2 डिग्री। और मैं आप लोग को अपना रूम टेम्परेचर दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे रूम का टेम्परेचर है 23.8 डिग्री, क्योंकि मैंने AC ऑन करके रखा है, इसलिए मेरे रूम का जो टेम्परेचर है वो इतना कम है। तो चलिए अब मैं आप लोग को इसमें गेमिंग करके दिखाता हूँ और इसका परफॉर्मेंस बताता हूँ। तो हमारी मैच स्टार्ट हो चुकी है और अब मैं आप लोग को इस डिवाइस का गेमिंग परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। मैंने इस डिवाइस का 60 FPS गेमिंग टेस्ट भी किया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप बड़ी आसानी से उस वीडियो को देख के ये पता कर सकते हैं कि 90 FPS में और 60 FPS में क्या डिफरेंस है। और मैं इस वीडियो में आप लोग को इस डिवाइस के स्पेसिफिकेशन नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने BGMI का फुल मैच रिव्यू किया है जिसमें मैंने आप लोग को इस डिवाइस के सारे ही डिटेल्स बताए हैं। तो अगर आप लोग को वो देखना है तो उस वीडियो का लिंक आप लोग को मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और मैं बात करूँ इस डिवाइस के गेम प्ले की, तो यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, काफ़ी स्मूथ है। और आप 90 FPS में गेमिंग करना चाहते हैं तो आप लोग को ग्राफिक्स को स्मूथ पर ही सेट करके रखना होगा, क्योंकि आप लोग को स्मूथ ग्राफिक्स में ही 90 FPS का सपोर्ट मिलता है। बट मैं बात करूँ ग्राफिक्स क्लियरिटी की, ग्राफिक्स क्वालिटी की, तो ग्राफिक्स मुझे काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं इस ग्राफिक्स सेटिंग के हिसाब से, तो आप लोग को इसमें भी कमी महसूस नहीं होगी। गेमिंग परफॉर्मेंस तो काफ़ी स्मूथ लग रहा है मुझे। मैंने FPS मीटर तो इनेबल करके नहीं रखा है, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी कंसिस्टेंट FPS का सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि फ्रेम ड्रॉप मुझे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। वैसे मैं आप लोग से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जब आप गेमिंग करते हैं, चाहे आप कोई भी सा गेम प्ले करें, तो क्या आप फिंगर स्लीव यूज़ करते हैं या नहीं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आप देख सकते हैं मुझे इस गेम को प्ले करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, गेम काफ़ी अच्छे से रन हो रहा है। तो आप इस डिवाइस पर आसानी से 90 FPS में काफ़ी स्मूथ गेमिंग कर सकते हैं।
और इस डिवाइस में आप लोग को काफ़ी अच्छी टच रिस्पॉन्स मिल जाती है। इसमें आप लोग को गेमिंग करते हुए 1200 हर्ट्ज तक का टच सैम्पलिंग रेट मिल जाता है, उस वजह से जो टच रिस्पॉन्स है वो काफ़ी बेहतर है। तो आप लोग को ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है गेमिंग करते हुए। और आप देख सकते हैं हमारी टीम विन हो चुकी है और मुझे इस डिवाइस पर गेमिंग करते हुए कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। यहाँ पर मुझे काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस मिला है। तो आप इस डिवाइस पर 90 FPS पर गेमिंग करते हैं तो आप लोग को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। और मैंने आप लोग को जैसा कि बताया, इस डिवाइस का मैंने फुल मैच टेस्ट भी किया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसमें आप लोग को और भी डिटेल देखने को मिल जाएंगे कि ये डिवाइस कितने घंटे में कितना परसेंट बैटरी ड्रॉप करता है। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं अभी इसका टेम्परेचर चेक कर लेता हूँ कि ये कितना हीट हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये डिवाइस 46 डिग्री हीट हो चुका है। मैक्स की मैं बात कर रहा हूँ 46.4 डिग्री, क्योंकि मेरे रूम का जो अभी टेम्परेचर है वो नॉर्मल है। मैं आप लोग को रूम टेम्परेचर भी दिखाता हूँ। अब देख सकते हैं मेरे रूम का टेम्परेचर 30.4 डिग्री पर है, क्योंकि मेरे रूम में एसी ऑन नहीं है तो ये डिवाइस इतना हीट हुआ है। अगर आप इसे नॉर्मल कंडीशन में यूज़ करेंगे तो ये थोड़ा कम हीट होता है। और गेमिंग परफॉर्मेंस में मुझे कोई भी कमी नहीं लगी है। आप लोग को 90 FPS का इसमें सपोर्ट मिल जाता है, जिसमें आप लोग को काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगा। तो अगर आप लोग को आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और इसी तरह की गेमिंग रिव्यू देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। अगर इस डिवाइस से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को रिप्लाई जरूर करूँगा। तो मैं आपसे मिलूँगा अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप सेफ। Thank you.